कोरोना वायरस को लेकर मचे हाहाकार के बीच बिग बी यानी अमिताभ बच्चन ने एक कविता शेयर की है। कोरोना की दहशत के कारण इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वैश्विक महामारी घोषित कर दिया है। अब तक भारत में कुल 76 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। इसका असर बिजनेस और सिनेमा जगत पर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। कोरोना के कारण लोग कैसे परेशान हैं, किन किन चीज़ों का वे सामना कर रहे हैं, इसके बारे में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कविता लिखी है। उन्होंने अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और वीडियो में कोरोना को ठेंगा भी दिखाया है। बिग बी की कविता सुनने से पहले बता दें कि अमिताभ बच्चन हमेशा हर छोटे बड़े मुद्दों पर अपनी राय सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अमिताभ बच्चन द्वारा लिखी यह कविता और कोरोना को ठेंगा दिखाने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली, केरल और जम्मू में सिनेमाघरों को बंद करने का ऐलान किया गया है। इसका असर सबसे ज़्यादा केरला में देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे पहले हम सुन हैं बिग बी की वो कविता जो उन्होंने कोरोना वायरस को ठेंगा दिखाते हुए लिखी है। देवियों सज्जनों नमस्कार, हम हैं अमिताभ बच्चन और इधर कई दिनों से ये कोरोना वायरस को लेकर के बहुत चर्चा हो रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, सब लोग घर आए हैं और घबराए हुए हैं, चिंता में हैं। आज सुबह सुबह हमको भी लगा कि हमें भी कुछ बोल देना चाहिए इस पर, तो ऐसे ही बैठे बैठे चार पंक्तियाँ लिख दी हैं और सोचा कि आपको हम भेंट में दे दें और कहा सुना माफ कीजिएगा। तो हमने लिखा है कि बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, बहुतेरे इलाज बतावें जन जनमानस सब, केकर सुने केकर नाही कौन बताई सब। क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस कलौंजी पीसो क्यों आंवला रस, क्यों कहस घर में बैठो हिलो न ठस से मस। अब ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, ईर कहन और बीर कहन कि ऐसा कुछ भी करो ना, बिन साबुन के हाथ धोई के क्यों का भैया छुओ ना। हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोले सब, हम कहा चलो हमऊ कर देते हैं जैसन बोले सब, आवे देव करोना फिरोना ठेंगवा दिखाओ तब। नमस्कार।